नमस्कार जोहार दोस्तों बस्तरवासियों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो हमारे एक्सप्रेस आज बस्तर दशहरा का भाग 4 आपके सामने ला रही है, जिसमें हम दिखाने वाले हैं आपको मौली परघाव। और ये मौली परघाव चालू होने से पहले उसका जो स्टेज बनता है जहाँ दोनों देवियों का मिलन होता है, उस जगह पे है। तो चलिए मेरे साथ देखते हैं मौली परघाव, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही सबसे सुंदर रस्म होती है बस्तर दशहरा की, मेरी भी सबसे फेवरेट है। तो इसे दिखाता हूँ आज आपको, मौली परघाव। बोलिए जय माई दंतेश्वरी, आगे बढ़ते हैं। मौली परघाव जो है बस्तर दशहरा की सबसे खूबसूरत रस्म है। इसमें माता मौली की डोली दंतेवाड़ा से जगदलपुर आती है, जिसे जिया डेरा में ठहराया जाता है। मैं वर्तमान में जिया डेरा में हूँ, माता के दर्शन करने आया हूँ। आप अगर दंतेवाड़ा ना जा पाएँ तो यहाँ जिया डेरा में आके मौली परघाव में माता के दर्शन कर सकते हैं, बराबर होता है। और यहाँ से ही मौली परघाव रस्म की शुरुआत होती है। मेरे अनुसार बस्तर दशहरा की सबसे खूबसूरत रस्म मौली परघाव होती है। इसमें माता मौली का ध्यान रखिए, माता मौली जो दंतेश्वरी देवी की बड़ी बहन है, उनका आगमन जगदलपुर नगर में होता है, जहां पे उनके साथ दंतेवाड़ा क्षेत्र के अलग अलग गांव के देवी देवता भी आते हैं, सब जिया डेरा में ठहरते हैं। उसके बाद यहाँ से माता दंतेश्वरी का छत्र जाता है, वो उन्हें विधिवत अपने घर आने के लिए आमंत्रित करती हैं। तब माता रात को 7-8 बजे का, मतलब सायंकाल के समय में, अपनी डोली के साथ माता दंतेश्वरी के मंदिर में आती हैं। तो उस अवसर पर राजा जो होता है और जो इस क्षेत्र के पूरे देवी देवता होते हैं, सब एक साथ जाते हैं और माता मौली का परघाव होता है। ये जगह पुराना कुटरूबाड़ा जिसे कहा जाता है, अभी वर्तमान में पैलेस रोड में ये जगह है। यहाँ पे दोनों देवियों का मिलन होता है, एक बड़ा सा स्टेज बनाया जाता है जिसके चारों तरफ लोग उसके दर्शन करते हैं। मैं भी उसी जगह पे हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे दोनों देवियों का मिलन होता है, पूजा पाठ होता है। उसके बाद माता मौली पूरे जन सैलाब के साथ माता दंतेश्वरी के मंदिर जाती हैं और वहाँ पे पूजन होने के बाद माता मौली वहीं पे विराजती हैं। ये अद्भुत रस्म है। माता 85-90 किलोमीटर से जो आती हैं, पहले पालकी में लाया जाता था, गांव वाम में उनका ठिया होता था, वहाँ भी देवी पीठ है, वहाँ भी मंदिर बने हुए हैं। बिल्कुल अद्भुत रस्म है, मेरे ख्याल से भारत में कहीं भी ऐसी सुंदर रस्म नहीं होगी। ये लौकिक का अलौकिक से मिलन है और आप देख रहे होंगे विशाल जन समुदाय, हर गांव के देवी देवता सब एक दूसरे से जुड़े हुए, ऐसा लग रहा है कि आप किसी देवलोक में हैं। बहुत अद्भुत रस्म है, जब आप यहां शामिल होंगे तब इसे महसूस कर पाएंगे। मैं तो काफ़ी अभिभूत होता हूं इस रस्म के साथ और मुझे बहुत ही पसंद है। और मैं कहीं भी रहूं, किसी भी जगह रहूं, मौली परघाव मिस नहीं करता हूं, मुझे बहुत पसंद है रस्म। आप भी जब देखेंगे तो इसकी खूबसूरती को महसूस करेंगे। जय माई दंतेश्वरी, जय माँ मौली, जय बस्तर। यहाँ जिस जगह मैं अभी खड़ा हूँ, यहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ होती है और काफ़ी हर जगह से आए देवी देवता और उनके लाट छत्र आंगा देव और जितने भी प्रतीक चिन्ह रहते हैं, लेके पुजारी नगाड़े ढोल थाप आदि बजते रहते हैं। काफ़ी भीड़ और रसाकसी का माहौल रहता है। तो इस जगह जो भी हैं, जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं या जो दौड़ भाग कर सकते हैं वही आएँ। महिलाएं बच्चों को सुरक्षित स्थान पर रखें, बुजुर्गों को सुरक्षित स्थान पर रखें, क्योंकि मैं कई बार देखता हूं कि इस भगदड़ में महिलाएं बच्चे गिर जाते हैं और ये समझदारी भी होगी। तो दोस्तों देखते रहिए मेरी इस अलौकिक मौली परघाव रस्म की वीडियो को, काफ़ी सुंदर वीडियो है। माता दंतेश्वरी और माता मौली के आगमन की वीडियो है और सभी लोग इस खूबसूरत माहौल पे झूम रहे हैं और उसका आनंद ले रहे हैं। बाकी बोलने के लिए कम और देखने के लिए ज़्यादा है आज। बोला दंतेश्वरी माता के।
और नाराज हूँ। दंतेश्वरी माता के जय माता दी, जय माता दी, जय
जय माता दी, जय बोलो, जय माता दी, जय बोलो, जय माता दी, 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 हम लोग गुरु नानक द्वार से आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, तो दोस्तों मेरी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, जो नया है सब्सक्राइब करिए। अब मैं अपनी वाणी को विराम और कैमरे को आराम देता हूँ, आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अगली वीडियो विजय रथ या भीतर रहनी की दिखाऊंगा और उसके बाद बाहर रहनी है, तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर। आप लोगों से मुलाकात हो अगली वीडियो पर। जय बस्तर, जय भारत, जय माई दंतेश्वरी।